vind, moet ze even af in me. My mom and dad talk you good, how you wish. Let me stay home, it drives you crazy. Get a drink, you spill all over me. Lovers been left on me. तो मूवी की शुरुआत में हम मिया नाम की एक नन्ही सी बच्ची को देखते हैं जो समुंदर के किनारे खड़ी होती है। दरअसल मिया को बचपन से ही समुंदर से बहुत लगाव था और समुंदर की लहरें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। अब ये सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। इस वक्त मिया की उम्र 15 साल होती है और उसके पिता के नए जॉब के चलते इन लोगों को दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। नए शहर में आकर मिया के फादर मिया का एडमिशन एक नए स्कूल में करा देते हैं जहां मिया को काफी अकेलापन फील होता है, इसलिए वो कुछ अमीर बच्चों के ग्रुप में जाकर उनके साथ बात करने की कोशिश करती है। अब ये जो अमीर लड़कियां थी वो मिया को देखते ही उसका मजाक उड़ाती हैं, जिससे मिया काफी अपसेट हो जाती है और अकेले जाकर बैठ जाती है। इसके बाद शाम को मिया अपने घर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसा रहा। ये सुनते ही मिया गुस्से में भड़क जाती है और अपनी मॉम को रूम से बाहर जाने को कहती है, मगर उसकी मॉम उसकी ये हालत देख काफी परेशान हो जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती है। इस पर तो मिया और भी ज्यादा गुस्से में पागल हो जाती है और अपनी मॉम को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। हालांकि इसके बाद मिया के फादर मिया को काफी डांट लगाते हैं उसकी इस हरकत के लिए। अब अगले दिन स्कूल में मिया फिर से उसी ग्रुप में जाकर लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है और इस बार ग्रुप की लीडर जियान उसे अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है। अब ये दोनों एक साथ जियान के घर जाती हैं, जहां कई सारी लड़कियां मिलकर लड़कों के बारे में बातें कर रही थीं, गंदे गंदे मजाक कर रही थीं और मोबाइल में पोर्न वीडियोस देख रही थीं। ये सब कुछ मिया के लिए काफी अलग और नया था, इसलिए वो भी इनकी कंपनी ज्वाइन कर लेती है और काफी मजे करती है। ये सब करने के बाद मिया अपने घर जाती है और घर जाते ही पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अपने फिश टैंक में तैर रही मछलियों को घूरने लगती है और अचानक उसमें से एक दो मछली को निकालकर कच्चा खा जाती है। अब अगले दिन मिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके शॉपिंग के लिए जाती है, जहां वो सभी फ्रेंड्स खूब अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं और चोरी भी करते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां ऊपर एक ब्रिज पर चढ़ जाती हैं और वहां से अपनी टॉप उठाकर लोगों को अपनी बॉडी दिखाती हैं। ये सब करने के बाद मिया अपने घर आ जाती है और बाथरूम में नहाते वक्त वो अपने शरीर में एक चीज नोटिस करती है कि उसके पैर की दोनों उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। मिया अपनी उंगलियों को अलग करने की बहुत कोशिश करती है, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उसकी उंगलियां अलग नहीं हो पाती। ये सब देख मिया काफी घबरा जाती है और तभी वॉशरूम के अंदर मिया की मॉम आ जाती है, जो आते ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, क्योंकि फिश टैंक से गायब हुई मछलियों के बारे में उनको पता लग चुका था। थप्पड़ खाने के बाद मिया काफी अपसेट हो जाती है और अपने शरीर में हो रहे चेंजेस के बारे में अपनी मॉम को बता ही नहीं पाती। इसके बाद मिया एक सुपरमार्केट से सर्जरी का सामान खरीद कर लाती है और अपनी उंगलियों को काट कर अलग करने लगती है। ये सब करने में उसे दर्द तो बहुत होता है, मगर किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करते हुए मिया अपनी उंगलियों को काट कर अलग कर देती है। अपने शरीर में हो रहे ये सब अजीब बदलाव को देख मिया को अपने पेरेंट्स के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थीं, जबकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। अब जल्दी से मिया अपनी फैमिली एल्बम को निकाल कर देखने लगती है और उस एल्बम को देखते हुए मिया एक चीज नोटिस करती है कि उस पूरी एल्बम में उसकी मॉम की प्रेगनेंसी वाली एक भी फोटो नहीं थी। यहाँ से मिया सीधे अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उनकी असली बेटी नहीं है। उसके इस सवाल पर मिया के पेरेंट्स थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब देते हैं और उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करने को कहते हैं। इस सब के बाद तो मिया अपने पेरेंट्स से काफी चिढ़ जाती है और वो अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ सुट्टेबाजी और शराब पीकर बिताने लगती है। एक दिन मिया नशे में धुत होती है और जवानी के जोश में वो पहली बार अपने ही ग्रुप के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सब करने में मिया को काफी मजा आता है, इसलिए उसे ये सब करने की आदत हो जाती है। एक रोज वो अपने उसी दोस्त के साथ फिर से इंटीमेट हो रही होती है और तब उसे काफी तेज पेन होने लगता है। मिया अब जल्दी से लड़के को रोकती है और भागते हुए वॉशरूम में जाकर वो देखती है कि उसके पैरों पर काले काले निशान आ चुके थे।
ये सब देख मियां काफी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उसे गहरे समुंदर की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो खुद को समुंदर के अंदर तैरता हुआ देखती है। फिर होश में आने के बाद वो ढेर सारी उल्टियां करती है और ये करते हुए उसकी एक फ्रेंड वहां पर आ जाती है और वो मियां के पैरों को देख लेती है। इसके बाद मियां अपने घर जाती है और काफी थकान की वजह से वो अपनी ड्रेस उतारकर जमीन पर ही सो जाती है। अगले दिन नींद से उठने के बाद मियां नोटिस करती है कि उसके पैरों से मछली की तरह छाले निकल रहे थे। वो जल्दी से उन सभी छालों को एक ब्लैंकेट में छिपाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में जाकर वो देखती है कि उसके टीचर एक मछली को डायरेक्ट कर रहे थे और उस मछली की स्मेल मियां को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अब क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही सभी बच्चे और टीचर क्लास के बाहर जाते हैं, वैसे ही मियां फौरन उस मछली को पकड़ती है और उसे कच्चा खा जाती है। अब चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी बॉडी में हो रहे इस बदलाव को वो रोक नहीं पा रही थी और उसे समझने वाला भी कोई नहीं था। अब धीरे धीरे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि मियां को कोई खतरनाक बीमारी है और अब उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगते हैं। एक रात मियां तैयार होकर एक पार्टी में जाती है जहां उसकी सभी फ्रेंड्स शराब पीकर लड़कों के साथ पानी में खेल रही थी। मियां एक साइड में खड़े होकर अकेले ही शराब पी रही थी और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचते हुए जमीन पर ही लेट जाती है। तभी अचानक उसके कानों में बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें सुनकर मियां देखती है कि उसकी फ्रेंड जियान गहरे पानी में चली गई थी और वो डूब रही थी। ये सब देखते ही मियां बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और जियान को खींचकर बाहर ले आती है। इसके बाद जियान काफी इमोशनल हो जाती है और मियां को अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड बना लेती है, क्योंकि वहां इतने लोग मौजूद होने के बाद भी अकेले मियां ने ही उसकी जान बचाई। अब पार्टी खत्म होने के बाद घर आकर मियां देखती है कि अब उसके रिब्स पर अजीब तरह के निशान आ चुके थे, बिल्कुल किसी मछली के गिल्स जैसे। इतना ही नहीं, अब उसके पैर भी पूरी तरह काले हो चुके थे, जिन्हें देख मियां बुरी तरह से रोने लगती है। इसी बीच जियान भी उसके घर आ जाती है और वो भी मियां की इस हालत को देख काफी डर जाती है। जियान को देख मियां और ज्यादा रोने लगती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। इसके बाद अगली रात फिर से मियां एक और पार्टी में जाती है जहां कुछ लड़के मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा शराब पिला देते हैं। शराब पिलाकर वो लड़के मियां की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहां मियां की दोस्त जियान आ जाती है और वो मियां को उन लड़कों से बचा लेती है। मियां उन लड़कों से तो बच गई थी, मगर घर पहुंचते ही उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मियां से अब अपनी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो चाकू से अपना हाथ काटकर सुसाइड करने की भी कोशिश करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। पूरी रात गुजरने के बाद अगले दिन जब मियां होश में आती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसके दोनों पैर अब एक नीले रंग के फिन में बदल चुके थे, बिल्कुल एक जलपरी के जैसे। दर्द में मुश्किल से रेंगते हुए वो पानी के टब में लेट जाती है और उस पूरे टब को पानी से भर देती है। पानी में अच्छे से डूबने के बाद उसे सुकून मिल जाता है और फिर वो शांत होकर पानी में ऐसे लेटी रहती है मानो जैसे कि उसके सारे दर्द गायब हो चुके हों। मियां अब खुद से और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहती थी, इसलिए फाइनली वो खुद को एक मरमेड यानी कि जलपरी के रूप में ही एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो जियान को कॉल करके अपने घर बुलाती है और मियां की हालत देख जियान काफी शॉक्ड होती है। मगर इससे जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दोस्त को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसी वो है। अब जियान मियां को खींचकर अपनी गाड़ी तक ले जाती है और गाड़ी में बैठकर मियां आखिरी बार अपनी मॉम को फोन लगाती है। इसके बाद जियान गाड़ी में लिटाकर मियां को समुंदर के एक बीच पर ले जाती है और गाड़ी से उतरकर वो आखिरी बार अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस पर मियां उसे जवाब देती है कि अब डरने की कोई बात नहीं, मेरी किस्मत यही थी और अब ये पूरा समुंदर मेरा घर है। इसके बाद मियां अपनी फ्रेंड को आखिरी बार गुड बाय कहती है और फिर रेंगते हुए समुंदर की गहराई में चली जाती है। पानी में जाकर मियां पूरी तरह जलपरी में तब्दील हो जाती है और अब दिल खोलकर समुंदर में तैरने लगती है। फाइनली मियां को उसका नया और असली घर मिल गया था जहां उसकी खुशियों की कोई लिमिट नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लू माई माइंड की पूरी कहानी। हाँ, इस मूवी में ये नहीं बताया गया है कि आखिर मियां एक जलपरी क्यों बनी जबकि उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल नॉर्मल थे।
तो इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मिया की असली माँ एक जलपरी होगी जो किसी तरह अपनी बेटी से बिछड़ गई होगी। उसके बाद मियाँ समुद्र के किनारे अपने पेरेंट्स को मिली होगी जिन्होंने उसे गोद ले लिया होगा। और वैसे भी मूवी की शुरुआत में हमें छोटी मियाँ को समुद्र के किनारे ही दिखाया गया था। तो दोस्तों, मेरे इस ओपिनियन के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।